बीते दिन पंजाब के अमृतसर में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी मिला है। बम मिलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने जांच करते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया है। हैरत कर देने वाली बात यह है कि बम पुलिस स्टेशन के बाहर ही मिला है। वहां से गुजर रहे लोगों की नजर जब इस बम पर पड़ी तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और बम को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना के पीछे बड़ी साजिश बताई जा रही है। आपको बताएं, अमृतसर पुलिस इसके बाद से काफी चौकन्ना हो गई है और अमृतसर बस स्टैंड पर स्क्वाड टीमों की भी चेकिंग की जा रही है। पुलिस को अंदेशा है कि कोई शरारती तत्व पूरी घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसके चलते जगह जगह पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। अमृतसर रेलवे स्टेशन, मॉल, सिनेमा घर, बस स्टैंड, हर जगह चेकिंग की जा रही है। माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर आईपीएस जी की हदायतों से अज एडीसीपी सिटी 3 श्री हरपाल सिंह जी की हदायतों से उन्हों की सुपरविजन के अंडर जेडे साढ़े जोन के सारे एस एच ओ से टीम वालों बस स्टैंड जरा कॉर्डन करके जरा सर्च ऑपरेशन किया गया है। ये असी जी एंटी सैबटेज टीम्स तो डॉग स्क्वाड टीम लैके जेडे सस्पैक्टिड परसनज सस्पैक्टिड बैगेजिस की जी जी तलाशी की है। असीं रूटीन च वी जी करदे रहिंदे आं जदों वी तां कि गाहे पगाहे चैकिंग हुंदी रहे ते कोई शक्की ते गलत अंसर जिहड़े आ इत्थे आउण तों जिहड़ा गुरेज करन ते जे कोई लवारस चीज़ मिली आ तां उहदा जिहड़ा जिहड़ी पछाण हो सके। सर जेकर असीं गल करिए दिन दिहाड़े थाणे दे बाहर बंब समगरी वी मिली आ तां उस नूं लै के वी चैकिंग कीती जा रही आ जी? बिल्कुल जी, उह वी कारण हैगा सारा असीं तां कि कोई शक्की चीज़ लवारस चीज़ जिहड़े गलत अंसर जिहड़े इहो जिहा कम्म करदे ने कोई इहो जी चीज़ प्लांट करके ना जाण ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਸ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ? ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਸਾਡੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੂਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਵਾਰਿਸ਼ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। वहीं जांच में सामने आया है कि आईईडी में विस्फोटक मात्रा काफी ज्यादा थी। फिलहाल पुलिस ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस को कब्जे में ले लिया है और इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि बम को यहां पर किन लोगों ने रखा था। गौर करने वाली बात यह है कि फरवरी 2023 में वारिस पंजाब डे के समर्थक अमृतपाल ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए इसी अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। बता दें, मोहाली के बाद तरन तारन और अब अमृतसर के अजनाला थाने के बाहर आईईडी मिलना सुरक्षा जांच एजेंसियों के लिए एक चुनौती बन चुका है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि आईईडी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की मदद से भेजा गया है और इस घटना को लेकर पुलिस विभाग और सुरक्षा जांच एजेंसियां काफी सक्रिय हो चुकी हैं और जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।